डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे पपाया कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस से रिलेटेड डिफरेंट जो प्लांट पार्ट है उनको भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे कि स्टेम, फ्रूट और फ्लावर के लगने की पोजीशन और इसकी लीव्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पपाया, जिसका बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया। यह एक ट्रॉपिकल डे न्यूट्रल फ्रूट क्रॉप है जो कि फैमिली कैरिकेसी के अंतर्गत आती है। और अगर इसका ओरिजिन देखें तो यह ट्रॉपिकल अमेरिका और मेक्सिको से ओरिजिनेट माना जाता है, और इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन 16th सेंचुरी में हुआ था। अगर इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो यह 2 = 18 है। तो फ्रेंड्स, पपाया में एक माउंटेन पपाया स्पीसीज है जो कि फ्रॉस्ट और वायरस रेजिस्टेंट है। इसका बॉटनिकल नेम है कैरिका कंडामार्सेंसिस। इसी तरह कैरिका क्वेर्सिफोलिया जो है हार्डिएस्ट प्लांट है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके प्रोडक्शन को देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है पपाया प्रोडक्शन में लीडिंग करता है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और मेक्सिको। अब देखते हैं इसके क्रॉप्स के स्पेशल जो करेक्टर्स हैं उनको। तो फ्रेंड्स, यह है इंडिया में 5th मोस्ट कमर्शियली इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। यह एक शॉर्ट लिव्ड हर्बेशियस टेंडर एंड शैलो रूटेड प्लांट है। और अगर इसमें बियरिंग देखें तो यह बहुत जल्दी आ जाती है अदर क्रॉप की बजाय। और इसमें जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वह लेस देन 1 ईयर में शुरू हो जाता है। और अगर इसका प्रोडक्शन हम इंडिया में इसका प्रोडक्शन देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। और अगर इसके इकोनॉमिक लाइफ देखें तो पपाया के प्लांट की इकोनॉमिक लाइफ जो है 3 to 4 ईयर्स ही होती है। और अगर इसमें प्रोडक्टिविटी देखें तो बनाना के बाद इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। यह एक थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है और इसी तरह यह वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए भी हाईली ससेप्टिबल होती है। फ्रेंड्स, इसका जो फ्रूट होता है वह स्वीट स्मूथ येलो टू ऑरेंज रेड फ्लैश वाला होता है, जिसके अंदर पल्प में सीड होते हैं। यह हाईली पेरिशेबल होता है नेचर में और विटामिन ए और सी रिच फ्रूट है। इसके जो सीड्स होते हैं वह जिलेटिनस सार्कोटेस्टा के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, लेकिन फिर भी यह जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पर भी इजीली ग्रोन किया जा सकता है। इसके ग्रोन होने के लिए समुद्र तल से 1000 से 1200 मीटर तक की ऊँचाई होना अनिवार्य है। इसी तरह जहाँ पर समर टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ पर भी इसको इजीली ग्रोन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह फ्रॉस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर स्टैग्नेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप होती है, इसलिए इन स्थितियों से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी तरह नाइट टेम्परेचर, जब विंटर सीजन में जब नाइट टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री से नीचे चला जाता है तो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें मैच्योरिटी लेवल जो है धीरे धीरे आता है, और इसी तरह जो फ्रूट है वो पुअर क्वालिटी के बनते हैं। और इसी तरह अगर वेरी लो टेम्परेचर रहता है तो फ्रूट्स के अंदर स्वीटनेस कम हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर कहीं पर 1500 से 2000 mm तक रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर इसको रेनफेड क्रॉप की तरह सक्सेसफुली ग्रोन किया जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स, राइपनिंग सीजन के टाइम इसको वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं इसमें सॉइल। तो फ्रेंड्स, पपाया का कल्टीवेशन जो है नियर टू न्यूट्रल पीएच, यानी पीएच 6 से 7 वाली डीप वेल ड्रेन सॉइल, यानी जो सैंडी लोम सॉइल है वह इसके लिए हाईली प्रेफरेबल है। इस मृदा के अंदर क्या होता है कि जो कॉलर रोट डिजीज़ है या रूट रोट डिजीज़ है वह नहीं हो पाती हैं। इसी तरह अगर पपाया को सैंडी या स्टिकी या हैवी क्ले सॉइल में अगर लगाया जाता है तो इससे फुट रोट और रूट रोट डिजीज़ होने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि इन मृदाओं में पुअर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है और वाटर लॉगिंग के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी तरह
मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पपाया की जो रूट्स होती है वाटर लगिंग और स्टैंडिंग वाटर के लिए सेंसिटिव होती है, इसलिए ये क्या होता है कि जो हैवी सॉइल्स होती है अगर उनमें 48 आवर्स तक अगर वाटर स्टे कर जाता है तो यह प्लांट के लिए फेटल हो जाता है। इसलिए हर्बेशियस स्टैंडर्ड शैलो रूटेड प्लांट होने के नाते अगर इसको हम ओपन और हाई लाइंग एरिया में लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म से बचाने के लिए इसमें सुटेबल विंड ब्रेक का होना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स इसके कुछ करेक्टर्स और देखें तो इसके अंदर क्लिस्ट्रोगेमी अवस्था पाई जाती है और फ्रूट में डबल सिग्मोइड कर्व पाया जाता है। फ्रूट्स में पार्शियल प्लेसेंटेशन की स्थिति पाई जाती है। और अगर हम इसमें मेल फीमेल का रेशो देखें तो बेटर पोलिनेशन के लिए मेल फीमेल रेशो जो है 1:20 होना चाहिए। इसी तरह जो डाइवेसियस वैरायटी होती है वहाँ पर कम से कम 10% मेल प्लांट का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यह एक विंड पोलिनेटेड क्रॉप है और इसमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है वह सॉलिटरी साइमोस इनफ्लोरेसेंस होता है और इसमें अगर बियरिंग देखें तो यह करंट सीजन ऑक्सिलरी बियरिंग प्लांट है। फ्रेंड्स इसमें फ्रूट के अंदर पाया जाने वाला येलो पिगमेंट कौन सा है? कैरिकाजेंथिन के कारण ही फल के अंदर येलो टू ऑरेंज कलर आता है। इसी तरह जो ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया है उसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है और इसी तरह पपाया से जो कार्पाइन ऑब्टेंड किया जाता है वह डायूरेटिक और हार्ट स्टिमुलेंट का काम करता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं टाइप ऑफ पपाया। तो फ्रेंड्स दो तरह के पपाया पाए जाते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो जो स्मॉल पपाया होते हैं उन्हें सोलो टाइप कहते हैं और अगर हम लार्ज टाइप वैरायटी का एग्जांपल देखें तो ताइवन रेड लेडी जो वैरायटी है वह इसकी लार्ज टाइप वैरायटी है। अब देखते हैं इसमें बेसिक प्लांट टाइप्स। तो फ्रेंड्स यह एक पॉलीगेमस प्लांट है, इसके अंदर डिफरेंट सेक्स फॉर्म पाई जाती है जैसे कि मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन। तो इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेल प्लांट होता है वह सिर्फ और सिर्फ पोलन का प्रोडक्शन करता है, फ्रूटिंग नहीं करता है। इसी तरह जो फीमेल प्लांट होता है उसमें फीमेल और हर्मोफ्रोडाइट प्लांट्स जो होते हैं वह फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं और उसमें पोलिनेशन विंड और इंसेक्ट के द्वारा होता है। और लास्ट में जो हर्मोफ्रोडाइट जो है, हर्मोफ्रोडाइट जो स्पीसीज होती हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है और जितने भी कमर्शियल ऑर्चर्ड होते हैं वहाँ पर यह हर्मोफ्रोडाइट स्पीसीज ही लगाई जाती है। अब देखते हैं इसमें वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ में पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन में आता है सनसेट सोलो सनराइज। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है पूसा मेजेस्टी। यह एक निमेटोड रेजिस्टेंट हाई पेपेन प्रोडक्शन वाली वैरायटी है। फिर आती है CO1। यह एक ड्वार्फ वैरायटी है जो कि रांची पपाया से सिप मैटिंग के द्वारा डेवलप की गई है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें हाइब्रिड। तो पपाया के मुख्य हाइब्रिड है CO3, CO4, CO7। तो CO3 जो है वह CO2 into सोलो सनराइज के क्रॉस से बनी हुई वैरायटी है। इसी तरह जो CO4 है वह CO1 और वाशिंगटन का क्रॉस है। और लास्ट वैरायटी है CO7। तो यह CO3 into पूसा डिलीशियस into कुर्ग हनीडू के क्रॉस से बनाई गई वैरायटी है। तो फ्रेंड्स आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यह एक या दो हाइब्रिड जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं अदर वैरायटीज़। तो उसमें है गाइनोडाइवेसियस वैरायटी। गाइनोडाइवेसियस वैरायटी कौन सी होती है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक साथ पाए जाते हैं, यानी नर और मादा फ्लावर तो है ही है, इसके अलावा फीमेल जो फ्लावर है वो अलग से पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल है पूसा डिलीशियस, CO3, कुर्ग हनीड्यू। और इसी तरह सनराइज सोलो, सूर्या और ताइवान, यह सभी गाइनोडाइवेसियस वैरायटी है। इसमें जो सनराइज सोलो है उसमें पिंक फ्लैश पाया जाता है और कोई भी मेल नहीं होता है। इसी तरह जो ताइवान वैरायटी है उसमें ब्लड रेड कलर पाया जाता है। अब देखते हैं ड्यूअल पर्पज़ वैरायटी, यानी ऐसी वैरायटी जो टेबल पर्पज़ और पेपेन प्रोडक्शन में काम मिली जाती है। इसके एग्जाम्पल है CO2, CO5 और CO6।
अब देखते हैं इसमें पपाया के मुख्य सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में आता है CO5, CO6, कुर्ग हनीड्यू और सोलो सीरीज। तो फ्रेंड्स जो CO5 है यह एक डायोसिस वैरायटी है जो कि वाशिंगटन से ली गई है। इसमें जो पेपेन यील्ड है वह 1500 से 1600 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक मिल जाता है। इसी तरह CO6 जो है वह भी एक डायोसिस वैरायटी है जो कि पूसा मेजेस्टी से ली गई है। फिर आती है नेक्स्ट वैरायटी कुर्ग हनीड्यू, यह भी हनीड्यू से लिया गया सिलेक्शन है। यह IIHR पर लिया गया फर्स्ट सिलेक्शन है पपाया का। फिर आते हैं सोलो सीरीज। सोलो सीरीज जो है वह JE हिगिन्स से ली गई है और इसके फ्रूट्स जो होते हैं वह पायरीफॉर्म फॉर्म में पाए जाते हैं। आप देखते हैं डायोसियस वैरायटीज। तो डायोसियस वैरायटीज में आती है पूसा नन्ना, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, CO1, पिंक फ्लैश स्वीट, पंत C1, हथरस गोल्ड, सनी बैंक, बेटी, इम्प्रूव्ड पीटरसन। तो फ्रेंड्स इनका एक हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये जो पूसा नन्हा है वह एक्सट्रीमली ड्वार्फ वैरायटी है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल मानी जाती है। इसी तरह यह पोट गार्डन के लिए भी एक सुटेबल स्पीसीज है। फ्रेंड्स अब देखते हैं डायोसियस वैरायटीज। तो इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटीज है पूसा नंजाइंट, पूसा ड्वार्फ, CO1, पिंक फ्लैश स्वीट, पंत C1, हथरस गोल्ड, सनी बैंक, बेटी, इम्प्रूव्ड पीटरसन। तो फ्रेंड्स अब आगे इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये जो पूसा नन्ना है वह एक्सट्रीमली ड्वार्फ वैरायटी है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग और पोट गार्डन के लिए सुटेबल है। यह एक म्यूटेंट वैरायटी है जो कि लोकल वैरायटी पर अल्फा रेज के द्वारा डेवलप की गई है। इसी तरह जो पूसा जाइंट है इसके फ्रूट जो है लार्जेस्ट फ्रूट होते हैं। यह कैनिंग और टूटी फूटी बनाने के लिए सुटेबल मानी जाती है और यह एक विंड रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसी तरह जो ये पूसा ड्वार्फ है वह भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है और जो CO1 है वह भी एक ड्वार्फ वैरायटी है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसकी अदर वैरायटी में रांची सिलेक्शन और कुर्ग ग्रीन आती है। तो फ्रेंड्स हाँ हम जगह जगह CO सीरीज का नाम ले रहे हैं। CO का मतलब होता है ऐसी वैरायटी जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर से डेवलप की गई है। इसी तरह फ्रेंड्स जो पंत सीरीज होती है वह भी ZB पंत यूनिवर्सिटी पंत नगर उत्तराखंड से डेवलप की गई हुई स्पीसीज या वैरायटी होती है। अब देखते हैं इसमें प्लांटिंग। तो फ्रेंड्स पपाया का प्रोपेगेशन सीड और टिश्यू कल्चर दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हम सीड से इसको देखते हैं तो सीड रेट जो है गाइनोडायोसिस लाइन के अंदर 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर सफिशेंट रहता है। इसी तरह जो डायोसिस वैरायटी है उनके अंदर 400 से 500 ग्राम सीड पर हेक्टर सुटेबल रहता है। और अगर हम 1 ग्राम सीड में नंबर ऑफ सीड्स देखें तो यह 20 सीड्स पर ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो सीड्स होते हैं उनका कलेक्शन राइप लार्ज साइड हेल्दी फ्रूट से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस फ्रूट से हम सीड का कलेक्शन कर रहे हैं वह एक फीमेल प्लांट से होना चाहिए जो कि पेस्ट और डिजीज से फ्री हो। तो जो फ्री सीड्स होते हैं उनको इमिडिएटली शोन किया जाता है क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो आफ्टर 45 डेज उनमें क्या होता है कि जो सीड की वायबिलिटी है वह कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जो सीड्स होते हैं उनको शोइंग से पहले क्या करते हैं उनमें जो सार्कोटेस्ट्रा होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो पपाया के सीड्स होते हैं वो जिलेटिनस सार्कोटेस्ट्रा के द्वारा कवर्ड होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए जो सीड्स होते हैं उनको 2 to 3 डेज तक वाटर में डिप करके फर्मेंट किया जाता है और उसके बाद इनको वुडन एश के साथ गनी क्लॉथ में इसको रब्ड किया जाता है। और जो सीड्स होते हैं उनको कभी भी सन ड्राइंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इसकी वायबिलिटी है वह नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स
इसमें पपाया में जर्मिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सीड्स होते हैं उनको 100 ppm जिब्रेलिक एसिड में 16 आवर के लिए डिप करना ज़रूरी होता है। और इसी तरह इनवेग्रेशन ऑफ सीड ओल्ड सीड करने के लिए हमको क्या करना है, यानी जो हमारे पास पुराने बीज हैं उनको हम विगर उनके अंदर कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए हमको जो डाइसोडियम फॉस्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 4 आवर्स के लिए इनको सीड्स को डिप करना है और फिर वापस इनको ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट तक लाना है। तो जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो सर्कोटेस्टा है उसको रिमूव कर देने से क्या होता है कि जो सीड्स होता है उनमें रैपिड और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होता है। अब इसमें एक और ट्रीटमेंट देखते हैं, सीड्स को 0.1% मोनोसैन यानी फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट या सेरेसन के द्वारा अगर हम ट्रीट करते हैं तो इससे फंगल डिजीज लगने का संभावना भी नहीं रहती है। अब देखते हैं सोइंग डेप्थ, तो फ्रेंड्स इसके जो सीड्स होते हैं उनको 1 cm डेप्थ पे लगाया जाता है। इसकी जो सीडलिंग होती है इनको नर्सरी बेड में भी लगाया जा सकता है। अगर नर्सरी बेड का साइज देखें तो यह 3 meters लॉन्ग, 1 meter वाइड और 10 cm हाइट वाली होनी चाहिए। इसी तरह इनको पॉट्स और पॉलीथीन बैग में भी लगाया जाता है। और जब सीडलिंग जो है आफ्टर 60 days जब 15 to 20 cm टॉल हो जाती है तो इसको प्लांटिंग के लिए काम में लिया जा सकता है। अब देखते हैं प्लांटिंग सीजन, तो फ्रेंड्स पपाया की प्लांटिंग जो है स्प्रिंग सीजन, मानसून सीजन और ऑटम तीनों ही सीजन में की जा सकती है, यानी फरवरी मार्च जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में हम इजीली इसको ग्रोन कर सकते हैं। और स्पेशली एक इसमें देखें तो जो हैवी रेनफॉल जिस टाइम हो रहा होता है या रेनी सीजन के टाइम थोड़ा इसकी प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब फ्रेंड्स आते हैं इसमें नर्सरी रेजिंग में, तो फ्रेंड्स इसकी जो नर्सरी होती है वह 2 types से रेज की जा सकती है, रेज्ड बेड और पॉलीथीन बैग्स और जिफी के अंदर। और जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिफी टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो रीलोडेड न्यूट्रिटिव रूटिंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्लांटिंग मेथड, तो फ्रेंड्स इसमें प्लांट को लगाने के लिए 60x60x60 cm के पिट्स की डिगिंग की जाती है जो कि प्लांटिंग से 4 days बिफोर करनी पड़ती है, यानी समर के मंथ में प्लांटिंग से 15 days पहले हमको इसके पिट्स की डिगिंग करनी है। और इसके पश्चात जो पिट्स होती हैं उनको फिलिंग कैसे करना है, इसके लिए टॉप सॉइल 20 किलोग्राम FYM, 1 किलोग्राम नीम केक, 1 किलोग्राम बोन मील और 5 ग्राम कार्बोफ्यूरान का मिक्सर को इसमें ऐड करना है। अब देखते हैं स्पेसिंग, तो फ्रेंड्स पपाया का जो ट्री होता है यूजुअली 12 to 30 feet तक की ऊँचाई लेता है, तो जो टॉल और विग्रस वैरायटी होती है उनके लिए ज़्यादा स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो मीडियम और ड्वार्फ वैरायटी है उनको क्लोजर स्पेसिंग पे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो शॉर्ट हाइट वाले प्लांट होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग करना बहुत आसान रहता है। तो इसमें अगर यूजुअली हम स्पेसिंग देखें तो 1.8x1.8 meters से लेकर 3x3 meters तक की स्पेसिंग रखी जाती है। और अगर हम पूसा नन्ना के अंदर देखें तो पूसा नन्ना में 1.2x1.2 meters की डिस्टेंस पर 6400 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अगर हम जो प्लांटिंग डिस्टेंस है 1.6x1.6 meters से अगर हम बिलो रखते हैं तो इस स्थिति में जो लेस पेपेन प्रोडक्शन होता है यानी कम पेपेन प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं इसमें न्यूट्रिशन, तो फ्रेंड्स जो पपाया है उसको हैवी डोज ऑफ मेन्योर्स और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है जो कि 5 month पीरियड ट्रांसप्लांटिंग से लेकर फ्लावरिंग तक का जो पीरियड है वह इसके न्यूट्रिशन के पर्पज़ से क्रूशल होता है। इस टाइम इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है। अगर हम इसके प्लांट की हेल्थ को देखना चाहें तो जो स्टेम गर्थ है वह हमें प्लांट को हेल्थ के बारे में बता सकती है, क्योंकि अगर बिफोर फ्लावरिंग इसमें स्टेम गर्थ अच्छी है तो यह आगे विगर और प्रोडक्टिविटी में आगे बहुत अच्छा रहेगा प्लांट।
अब इसमें न्यूट्रिशन में देखें तो 10 किलोग्राम FYM, 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और इसी तरह 0.5% जिंक सल्फेट और 0.1% H2BO3 जो है इसका प्रयोग करना है पर प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर हम पेपेन यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें नाइट्रोजन की भी जो सप्लाई है वह ज़्यादा करनी होगी, यह अप टू 300 ग्राम पर प्लांट होनी ज़रूरी हो जाती है। इसी तरह फ्लावर और गुड फ्रूटिंग के लिए 15 से 20 ग्राम पर प्लांट हमको बोरेक्स की सॉइल एप्लीकेशन करनी है और यह आगे इसकी फ्लावर हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। इसी तरह फ्रेंड्स, इसके अंदर 20 ग्राम ऑफ एजोस्पाइरेलम और फॉस्फोबैक्टीरिया जो है उसको भी हम प्लांटिंग के 6 मंथ बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको इरिगेशन रिंग या बेसिन में मिक्स करके हमको लाइट डिगिंग और होइंग करना ज़रूरी है और उसके पश्चात लाइट इरिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं इरिगेशन, तो इरिगेशन जो है वहाँ पर पाई जाने वाली सॉइल और वेदर कंडीशन पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स। इसमें जो इनिशियली वाटर रिक्वायरमेंट होती है वह एक लिमिटेड अवस्था तक ही होती है, लेकिन जैसे ही प्लांट बेयरिंग स्टेज पर बढ़ता जाता है इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट जो है 25 से 35 लीटर वाटर पर डे हो जाती है। तो शुरू का जो ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटिंग है, उस टाइम इसमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन की जाती है, लेकिन जैसे ही यह सेकंड ईयर में आता है तो इसमें फोर्टनाइटली इंटरवल पर विंटर में और 10 दिन के अंतराल पर समर में इरिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम इसमें इरिगेशन सिस्टम देखें तो यह बेसिन सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, और जहाँ पर लो रेनफॉल होता है वहाँ पर स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का भी काम में लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि जब 60-80% मॉइस्चर डिप्लीशन होने लग जाए तो उस समय हमें इरिगेशन करनी है। अब देखते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, यह एक शैलो रूटेड प्लांट है तो इसलिए इसके अंदर बहुत से इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप की क्रिया जो है बिफोर और आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून करना ज़रूरी होता है ताकि वाटर लॉगिंग की जो कंडीशन है उसको अवॉइड किया जा सके और प्लांट को इरेक्ट स्टैंडिंग करने में मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाने के बाद कोई भी इंटरक्रॉप नहीं लेते हैं, और जो प्लांटिंग करने के बाद 3 से 4 महीने बाद हमको इसमें प्लांट्स की थिनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो थिनिंग में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं उनको हटा दिया जाता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पपाया का जो प्लांट है वह क्विकली ग्रोन करता है और बहुत जल्दी ही यह फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाता है, इसलिए इसमें कोई भी इंटरक्रॉप हमको नहीं लेनी है, क्योंकि पपाया जो है अपने आप में एक इंटरक्रॉप है जो कि ट्री फ्रूट क्रॉप और चर्ड में इसको लगाया जाता है। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि यह शैलो रूटेड प्लांट है तो इसके अंदर हमको डीप टीलेज भी नहीं करना है, और अगर इसमें फ्रॉस्ट इंजरी की संभावना है तो वहाँ पर हम मॉइस्चर सप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे हम उस टाइम हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ मेल प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यह पॉलीगेमस होता है, इसके अंदर डिफरेंट सेक्स फॉर्म पाई जाती है। तो जब प्लांटिंग कर चुके हैं तो उसके 3rd मंथ बाद हमको जो अनवांटेड सेक्स फॉर्म है उनको हमें रिमूव करना है, और गुड पोलिनेशन के लिए जो डाइवर्सिस वैरायटी है वहाँ पर कम से कम 10% मेल प्लांट का होना ज़रूरी है। जैसे ही इनफ्लोरेसेंस एमर्ज होता है तो जो एक्स्ट्रा मेल प्लांट होते हैं उनको अपरूट कर देना चाहिए, यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एवरी 20 फीमेल प्लांट पर 1 मेल का होना ज़रूरी होता है। तो जो प्रत्येक गड्ढे के अंदर विग्रेसली ग्रोइंग फीमेल या हर्मोफ्रोडाइट जो ट्री है वह सिंगल ट्री को ही अलाउड किया जाना चाहिए। इसी तरह जो गाइनोडाइसिस वैरायटी है CO3 और CO7 है उसमें केवल एक हर्मोफ्रोडाइट प्लांट
पर पिट होना जरूरी है। अदर जो फीमेल प्लांट है उनको हमें रिमूव कर देना है। अब इसमें देखते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज। तो फ्रेंड्स इसके अंदर लगने वाले मुख्य इंसेक्ट है वाइट फ्लाई, बैक्टोसेरा, कुकरबिटा, एफिड, एफिस गोसिपी, रेड स्पाइडर माइट, टेट्रानाइकस साइनेबेरियंस। तो जो रेड स्पाइडर माइट है इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है उस पर येलोइश स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं और ये जो लीव्स है वह प्री मेच्योर फॉलिंग कर जाती है। इसी तरह नेक्स्ट इंसेक्ट आता है, इसमें साइंटिफिक नेम है डेजी इंसेक्ट आता है स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है डेजिसेस रुगोसेल्स। और नेक्स्ट आता है ग्रे वीविल, जिसका साइंटिफिक नेम है माइलोसेरस विरिडियंस। और लास्ट में आता है मिली बग। तो मिली बग जो होता है सेप सकिंग इंसेक्ट है, तो यह जो सूटी मोल्ड है उसको प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को। तो फ्रेंड्स इन सभी स्थितियों में इन सभी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, जो डाई मेथोइड 0.3% या मिथाइल डेमेटोन 0.05% की स्प्रे करने हैं और जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उनको रिमूव कर देना है। इसी तरह नर्सरी में जब निमेटोड की समस्या होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G को 1 ग्राम पर पॉलीथीन बैग हमें अप्लाई करना है। और यह कब करना है, जर्मिनेशन के जस्ट बाद। अब नेक्स्ट आता है डिजीज इन पपाया, पम्पिंग ऑफ, जिसे हम आर्द्र गलन भी कहते हैं। यह एक फंगल डिजीज़ है जो कि फाइटोपथोरा और पीथियम स्पीसीज के द्वारा होती है। इसके अलावा मॉइस्चर की सप्लाई का कम या ज़्यादा हो जाना भी इसमें डंपिंग ऑफ का कारण बनता है। इसमें क्या होता है कि कम या अधिक मॉइस्चर सप्लाई हो जाने पर जो स्टेम बेस है या रूट बेस है वह उसमें वाटर सॉक्ट एरिया दिखने लग जाते हैं, जो कि बाद में धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं और इससे यंग प्लांट किल हो जाता है। इसी तरह दूसरी डिजीज़ है रूट रोट, यह भी एक फंगल इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज़ है। यह जो सब सॉइल होती है वहाँ पर वाटर स्टेग्नेशन हो जाने के कारण भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है, यंगर लीव्स होती है, वह येलोइश हो जाती है, बाद में डल अपीयरेंस होने के साथ साथ इसमें जो होल प्लांट है वह डंप ऑफ हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज आती है पाउडर मिल्ड्यू, यह एक फंगल डिजीज़ है जो कि ओइडियम कैरिसी के द्वारा होती है। इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी, मॉडरेट टेम्परेचर और क्लाउडी वेदर भी इस डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आती है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज ऑल्सो फंगल डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाई कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरिडस फंजाई। साथ ही इसमें वेट वेदर कंडीशन जो है इस डिजीज़ को स्प्रेड करने में मदद करती है। फिर आती है कॉलर रोट या स्टेम रोट, इसमें क्या होता है कि जो ट्री की बार्क है उसमें वाटर सॉक्ट लीजन्स बनने शुरू हो जाते हैं, फ्रूट जो है वह श्रेवल हो जाने कर देते हैं, यानी श्रिंक होने लग जाते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं। साथ ही इसमें स्टेम गर्डलिंग भी पाई जाती है। और फिर नेक्स्ट डिजीज आती है इसमें डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू में जो लीव्स होती है सरफेस पर वाटर सॉक्ट पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं और इसमें जो फ्लावर बड है वह गिरना शुरू कर देती है। और फिर आती है नेक्स्ट फंगल डिजीज़ अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़, इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो 1 और 2 सेंट्रल लीव्स जो है वह कंप्लीट येलो हो जाती है और बाद में धीरे धीरे ब्राउन होते हुए ड्राई होकर फॉलिंग ऑफ कर जाती है। और फिर आती है इसमें लास्ट फंगल डिजीज़ लीफ स्पॉट डिजीज़, तो यह भी एक कॉमन फंगल डिजीज़ है। यह मोर और लेस जो कूलर टेम्परेचर है या रेनी मंथ है उस समय यह डिजीज़ होती है। तो फ्रेंड्स इन सभी फंगल डिजीज़ का कंट्रोल सुटेबल फंजीसाइड का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। फिर अब शुरू करते हैं इसमें लगने वाली वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ में पहली वायरल डिजीज़ है पपाया मोज़ेक। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है वह बिल्कुल स्टंट ग्रोथ में आ जाता है। इसकी जो लीफ पिटियोल है वह डाउनवर्ड बेंड कर जाती है और एक ट्रेंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि जो प्लांट है वह डाइड हो जाता है। और यह किसके द्वारा होता स्प्रेड होता है, पपाया मोज़ेक जो है
उसका स्प्रेड एफिड के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पर एफिड एक वेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज है पपाया लीफ कर्ल। तो इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वह टोबैको लीफ कर्ल वायरस है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है उसमें कर्लिंग, क्रिंकलिंग एंड डिस्टोरेशन शुरू हो जाता है, और लीव्स में जो वेन क्लियरिंग और लीफ साइज जो है रिडक्शन हो जाता है, और इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन जो है ग्राफ्टिंग और वाइट फ्लाई के द्वारा हो। नेक्स्ट वायरल डिजीज आते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस। तो इसमें क्या होता है कि जो टॉप लीव्स होती है वह येलोइश होना शुरू हो जाती है, और इसमें ग्रीन ऑयली स्ट्रिक्स जो है वह स्टेम और पिटियोल ऑफ यंगर लीव्स पर दिखाई देना शुरू कर देती है, और जो रिंग स्पॉट है वह फ्लावर और फ्रूट पर इजीली देखे जा सकते हैं। इससे जो लॉस है 5-100% तक फ्रूट क्रॉप में लॉस होता है, और अगर इसका ट्रांसमिशन देखें तो यह प्लांट टू प्लांट जो है एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो फ्रेंड्स जो इसकी कैरिका कॉलीफ्लोरा स्पीसीज है पपाया की, वह पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेजिस्टेंट मानी जाती है। अब देखते हैं जो वायरल डिजीज है उनका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स हैं उनको हमको रोगिंग करना है, यानी संख्या को कम कर देना है, प्लांट्स को अपरूट कर देना है अफेक्टेड प्लांट को। इसके बाद में सूटेबल इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते रहना है, ताकि जो सैप सकिंग इंसेक्ट है जैसे कि एफिड, थ्रिप्स या मिलीबग जो कि वायरल डिजीज का स्प्रेड करते हैं उनको हम कंट्रोल कर सके। इसी तरह अगर हम मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अगर रेगुलर स्प्रे करते हैं तो इससे भी वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है। इसी तरह जो प्लांट के अंदर वायरस का स्प्रेड करने के लिए कोलेटरल होस्ट का जो काम करते हैं उन प्लांट्स को रिमूव कर देना चाहिए, जैसे कि गार्ड फैमिली की क्रॉप्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, रिज गार्ड, बोटल गार्ड, स्नेक गार्ड, इन सब को पपाया के ऑर्चर्ड में हमें नहीं लगाना है। अगर ये लगी हुई है तो वहाँ इनको अपरूट कर देना है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की सप्लाई की जाती है तो एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और इस यह भी जो इंसेक्ट है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए लेस अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर जो इंसेक्ट है उनका अटैक कम हो। साथ ही हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी स्प्रे करना है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड हील्ड। तो फ्रेंड्स वार्मर क्लाइमेट में जो प्लांट है वह 3-4 मंथ की एज पर फ्लावरिंग शुरू कर देता है, और विद इन 7-9 मंथ पर इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और जो फ्रूट है उसको जब तक वह मैच्योर फुली मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक उसे पेड़ पर बने रहने देना चाहिए। अगर इसमें मैच्योरिटी साइन देखें तो फ्रूट जो है फुल साइज़ का हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, और इसमें येलो टीन जो कलर दिखाई देने लग जाता है एपिकल एंड पर। और एक और विशेष पहचान यह है कि जो फ्रूट से जो हमें लेटेक्स मिलता है वह बाद में मिल्की नहीं रहता है, बिकम वॉटरी हो जाता है, और इस अवस्था पर फ्रूट को हम इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम यील्ड देखें तो यह वैरायटी, सोइल, क्लाइमेट, स्पेसिंग और कल्चरल प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जो सिंगल पपाया का प्लांट है वह 25-40 फ्रूट पर ग्रोइंग सीजन दे देता है। अगर पर हेक्टर देखें तो फर्स्ट ईयर इसमें प्रोडक्शन 150-200 किलोग्राम पर हेक्टर, और इसी तरह सेकंड ईयर में 200-250 किलोग्राम पर हेक्टर तक हमको यील्ड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम फ्रूट्स में सिल्वर नाइट्रेट और कोबाल्ट क्लोराइड के द्वारा पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका स्टोरेज। तो फ्रेंड्स यह एक हाईली पेरिशेबल फ्रूट है, इसको 10-13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85-90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 1-3 वीक तक स्टोर किया जा सकता है। और अगर हम इस
10 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो स्टोरेज की बात करें तो इससे चिलिंग इंजरी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पिटिंग, ब्लॉची कलरेशन और डिकिंग शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, इसके फ्रूट को अगर हम हाई टेम्परेचर अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको मोर देन 10 डेज तक रखते हैं तो इसमें भी यह हीट इंजरी हो जाती है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर इसका कितना है, 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह एक्सपोर्ट करने के लिए जो पपाया होता है उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें फ्रूट को 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट तक डिप किया जाता है। इसी तरह एक और अन्य मेथड है, इसमें फ्रूट को 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 20 मिनट तक डिप किया जाता है। इसके पश्चात इनको क्विक कूलिंग करना होता है। इसके लिए फ्रूट्स को 13 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के वाटर में डिप करके इसको इंस्टेंट कूल किया जाता है। इसी तरह इसके अंदर अगर हम राइपनिंग को डिले करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, राइपनिंग को डिले करने के लिए फ्रूट्स को कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज जिसमें कि 2% ऑक्सीजन और 5-10% CO2 हो वहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख कर हम इसमें चिलिंग इंजरी को अवॉइड करते हुए हम इसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं और राइपनिंग को भी डिले कर सकते हैं। अब देखते हैं सिब मैटिंग। तो फ्रेंड्स, आपने पपाया कल्टीवेशन में कई जगह सिब मैटिंग नाम सुना होगा। तो सिब मैटिंग क्या है, यह एक ब्रीडिंग की एक प्रोसेस है। इसमें किसी जो सर्वोत्तम गुण वाले प्लांट का सिलेक्शन करके उसमें लगातार 7 से 8 जनरेशन तक इसमें बेटर क्वालिटी के सीड्स को लिया जाता है और फाइनली इसके सीड को आगे प्रोडक्शन के लिए रिलीज किया जाता है। अब देखते हैं पेपेन। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पपाया के लेटेक्स से पेपेन प्राप्त किया जाता है और पेपेन में 72.2% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसकी अगर हम स्पेशल वैरायटीज़ को देखें तो CO2, CO5, पूसा मजेस्टी और CO6 जो वैरायटी है इनसे पेपेन प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पूसा मजेस्टी वैरायटी है वह गाइनोडायसिस वैरायटी है और यह भी एक हायर पेपेन प्रोड्यूसिंग वैरायटी है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट पेपेन प्रोड्यूसिंग वैरायटी को देखें तो इसके अंतर्गत आती है CO6। तो फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स जिनसे कि हमने लेटेक्स लिया है या पेपेन प्राप्त किया है तो उन ग्रीन पपाया फ्रूट्स को एक्सट्रैक्शन के बाद टूटी फ्रूटी या अदर प्रोडक्ट बनाने में काम में ले लिया जाता है या फिर जो फ्रूट होता है उसको राइपन अलाउ किया जाता है पेड़ पर ही ताकि बाद में अन्य कोई और प्रोडक्ट बनाए जा सके। अब देखते हैं पेपेन एक्सट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, जो पेपेन होता है वह मैच्योर बट अनराइप पपाया फ्रूट से लिया जाता है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 75 से 90 दिन के ओल्ड फ्रूट से हम लेटेक्स को प्राप्त करते हैं। तो जो सिलेक्टेड फ्रूट होता है उसमें स्टेनलेस स्टील की नाइफ से हम इसके अंदर लॉन्ग कट बनाते हैं। लेटेक्स लेने की क्रिया है वह 3 डेज के इंटरवल पर कम से कम 4 बार हमें दोहरानी है और यह क्रिया मॉर्निंग में करनी है। 10 बजे से पहले हमें यह क्रिया करनी होती है। इसके पश्चात जो हमें लेटेक्स प्राप्त हुआ है उसे एल्यूमिनियम पैन और ट्रे के अंदर हमें शेड ड्राइड करना है। इसके पश्चात इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 0.5% ऐड करना है। इससे बेटर कलर और कीपिंग क्वालिटी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह जो लेटेक्स होता है उसको रैपिडली ड्राई करना होता है। इसके लिए 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सुटेबल रहता है। अब देखते हैं पेपेन की यील्ड। तो यील्ड जो है वह CO2 के अंदर 600 किलोग्राम पर हेक्टर और CO5 के अंदर 800 किलोग्राम पर हेक्टर तक हमको पेपेन की यील्ड मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पेपेन के एक्सट्रैक्शन को देखा है, पेपेन क्या होता है। अब देख लेते हैं यूज़ ऑफ पेपेन। तो जो पेपेन होता है उसको मीट टेंडराइजिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ च्यूइंग गम, कॉस्मेटिक्स, डीगमिंग ऑफ नेचुरल सिल्क, टू गिव श्रिंक रेजिस्टेंस टू वूल, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड गारमेंट क्लीनिंग,
पेपर एडहेसिव मैन्युफैक्चर और सीवेज डिस्पोजल में काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पपाया में कैसे इसमें प्रोपिगेशन किया जा सकता है, कैसे डिजीज़ मैनेजमेंट किया जा सकता है, या किस तरह से हम पेपेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इन सब की स्टडी की है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।